आज हामी आएको छौँ पशुपतिनाथ क्षेत्रमा टु डिस्कस विथ जोगी बाबाज. उहाँहरूको लाइफ फिलोसफी के छ, उहाँहरूको जीवन सम्बन्धी धारणा के छ, र वी आर अल्सो गोइङ टु टक अबाउट सम कन्ट्रोभर्सियल टपिक्स लाइक मेरिजुआना लिगलाइजेसन इन नेपाल. सो हाम्रा भोलेनाथका भोला भोला भक्तहरूको जीवन सम्बन्धी धारणा के छ त बुझ्दिउँ न त. गाँजा केते हैं ना, वो तोप केते हैं, गाँजा केते हैं, वो आपको पता है कि नहीं? वो तोप केते हैं, गाँजा गाँजा, वो आप जड़ी बूटी केते हो ना. हाँ, तो उसके संबंधी भी बहुत बात विवाद होते हैं. हाँ. उसके संबंधी आपका धारणा क्या है? दुनिया में यहाँ जितनी चीज है सब जड़ी बूटी है. ये बात नहीं है कि कोई चीज जड़ी बूटी न हो, लेकिन आदमी उका पहचान कैके और जे कोई चल पावत है उके लिए व्यवस्था है, और जे कोई न चल पाई और उका पहचान न पाई तो उके लिए कानूनी मान्यता प्राप्त होना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो पूछ रहे हैं. यो गांजा जुन छ नु, गांजा को पहले खेती हुन थियो, गांजा लाई औषधि में प्रयोग हुन थियो. हाँ, अब केटाहरु जति जुन छ नु यो नशा को रूप में त्यो ग्राज गरिरहेछन्. अब लत त गाँजाको लागिसक्यो, पढाइ त हुँदैन, गाँजा चाहियो. अब काखमा बेग बोकेर कलेज जानु पर्छ, अब कलेज के गर्ने? ल पशुपतिमा गाँजा खोज्ने हिँड्ने. केटाकटी त्यस्तै लत बिग्रिया छ, के पढ्छ? आमा बुबाको पैसा पनि जान्छ, त्यो नसाको लतमा भुलाइछ. जडी बुटी के हाँ कानूनी मान्यता चाहे जो कुछ करो, लेकिन जब आदमी के यहाँ फायदा करे लगी तो वो स्वयं उसका व्यवस्था करता है. वो कानूनी व्यवस्था, कानून अपने जगह पर ही है और व्यवस्था ऊंचे वाले के अपने जगह पर. गांजा को कुरो म भन्न सक्दैन, किनकि म त्यसको साक्षी छैन. मन को कुरा हो, एक आदत को कुरा हो. यहाँ त म हेरिरहेको छ कि म्याक्सिमम नेपालमा केटाहरू 60% बिग्रेको छ. खालि गाजा गाजामा, जो गाजामा जान्छ ऊ कहाँ पढ्नु सक्छ, कहाँ आगे बढ्नु सक्छ? गाजा सबैभन्दा खराब छ. गाँजा जो खान्छ बुद्धिमन्द गरिदिन्छ, पागल बनाइदिन्छ. उसको धुवा छ नि शरीरमा जान्छ, हड्डीमा पनि छेद गरिहाल्छ. त्यसको लागि यो गाजा भाङ बिडी सिगरेट यो सब नखानु राम्रो छ. हो त आमा बुवाको पैसा, मेहनतको पैसाको बर्बाद गरेर हुन्छ. मेरो उनीहरूसँग रिक्वेस्ट छ कि गाजा भाङ छोडेर आफ्नो पढाइमा मन लगाओस्, आगे बढोस्, अच्छा कमाई करोस, नेपालको भी सुख शान्ति होस्, तपाईँको भी सुख सबैको शान्ति होस्. आपके लिए शिव क्या है, महादेव क्या है? शिव महादेव एक बहुत सनातन धर्म के मतलब बनावे वाले व्यवस्था के यहाँ है. शिव हाम्रो तीन देवतामा एउटा देवता शिव हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनवटा देवता छ. महादेव महान हो, देवता हो, भोलेनाथ हो. सबै मान्छेलाई पालनहार होस्. भोले बाबा जहिलेसम्म आस्था गर्दैन तबसम्म केही हुँदैन. सबभन्दा ठुलो ब्रह्मा सृष्टिको रचना गर्ने मान्छे, त्यसपछि विष्णु भगवान्, विष्णु भगवान्ले सबैलाई पालन पोषण गर्ने, त्यसपछि शिवजी, शिवजी सबैलाई कल्याण गर्ने. जतना कुछ हिन्दू धर्म में यहाँ माना जात है, जतना कुछ है आज शिव जी के नाते है. अच्छा. ये सारा शिव के परिवार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई हो, ये सारा परिवार शिव के है. और शिव सबसे पहले ही दुनिया के संस्थापक हैं. तो अभी बहुत युवा लोग वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है. अभी वो वक्त ही ऐसा चल रहा है ना कि वो डिजिटल एरा कहते हैं, वो बहुत वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है ना. शिकार ही दुनिया में कोई चीज के नहीं है, कोई चीज के कमी नहीं है. आदमी के विचार और नेत खराबी का इसे हर चीज बहुत बड़ी बुरी व्यवस्था है. जीवन सबै को संघर्षमा बित्छ. कर्म गरे भने सबै पाउँछ, कर्म नगरे भने केही पाउँदैन. कर्म प्रधान विश्व के राखा, जो जस करी तस फल चाखा. कर्म साधु, कर्म बैराग, कर्म त्याग. मानसिक तनाव जस्तो छैन, त्यो सबै यो बर्बाद भइरहेछ हाम्रो देश.
किनकि यसमा धेरै थरीको मान्छे आफ्नो आफ्नो कुरा गरिरहेछ, म के भन्न सक्छु। इतिहास देख के सोचो विचार करो तो ये व्यवस्था कभी नहीं रहा, लेकिन आदमी के नेत खराब है। आदमी एक तो बटोर बटोर धरे के चक्कर में यहाँ है। अब मोदी जी जो नोटन के परिवर्तन की ही इमा सबके नोट चले गए। अहिले को युवाहरु छन् नासा को लत में लगे एकदम, पढ़ाई गर्छ नासा को लत में लग् पढ़ाई बिसरिन्छ, कहिले झुन्डेर मर्छ, कहिले के गरेर मर्छ, भन्छ जे म केही वास्ता छैन, म के गरौ। मान्छेको आमा बुवाले सबैलाई शिक्षा दीक्षा दिनको लागि खर्च गर्छ, पढाइमा खर्च गर्छ, विद्यार्थीहरु त्यस्तै तनावमा हुन्छ, कसैको नासाको लतमा हुन्छ, कसैको केटीको लतमा हुन्छ, पैसा सिध्याउँछन्, त्यस्तै गरेर त्यो जान्छ। सो दिस वाज इट गाइज, र आउँदो भिडियोहरूमा हामी अझै पनि यस्तै कन्टेन्टहरू बनाउने नै छौँ। सो स्टे ट्युन्ड विथ अस, र अर्कोचोटि पनि बुझिदिउँ न त।